Hi, hello, Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Sesuka and Pardon. Welcome to my YouTube channel, ISSKK. Awaaz karte hain aaj ke vlog ka. So everyone, काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग असल में इसलिए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है कराची में, मतलब पूरे सिंध में बारिश हो रही है, तो इसलिए व्लॉग नहीं हो रहा था. शॉर्ट राइड्स नहीं हो रही थी, मैंने सोचा था बारिश कम होगी तो मैं जाऊँगा. मैं एक दिन रेडी भी हो गया था सब कुछ करने के लिए, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो हमारे पास इतना मतलब सेफ्टी अभी पर्पस नहीं है, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते कैमरे के लिए. तो अभी जो मोटो ब्लॉग है वो है नॉर्थाबाद टू लियाकत अली खान चौक. अच्छा, लियाकत अली खान चौक का नाम पहले नाम मुक्का चौक था, उससे पहले लियाकत अली खान चौक था. सबसे पहले लियाकत अली खान नाम था, लेकिन फिर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका नाम चेंज कर दिया, मुक्का चौक कर दिया, क्योंकि इसमें एक मुक्का लगा हुआ होता था. तस्वीर अभी देखो, ये पहले ये था मुक्का चौक, अब मुक्का रिमूव कर दिया है, लेकिन अब इस चौक का नाम है लियाकत अली खान चौक. बीच में बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जो आपको दिखाएंगे. और अभी भी देखो मौसम बड़ा हो रहा है बारिश वाला, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है, तो हम रिस्क ले रहे हैं फिर भी मोटो ब्लॉग के लिए. आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, देखो बहुत कम सब्सक्राइबर है, आप देख रहे हो कितने कम सब्सक्राइबर हैं, तो इसकी सब्सक्राइब कर दो. चला दो, चलते मोटो ब्लॉग करने. एवरीवन, चलते मोटो ब्लॉग करने. बाइक की थोड़ी सी कंडीशन हो रही है, जंग वगैरह लगा हुआ है, तो ये देखो. तो ये है कि बारिश वगैरह ख़त्म हो जाए तो फिर जंग वगैरह को भी साफ़ करते हैं, पानी की वजह से जंग आता है, तो इसलिए चलो निकालते हैं बाइक को बाहर, दिखाते हैं आपको लियाकत अली खान चौक. बड़ा फेमस चौक है लियाकत अली खान चौक. चलो भाई, मौसम भी कोई बड़ा हसीन हो रहा है, लेकिन ये है कि बस बारिश ना हो ज़्यादा बेहतर है, वरना हमें रुकना पड़ जा सकता है कहीं भी, क्योंकि कपड़े भी गीले नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए देखो काफ़ी हसीन मौसम हो रहा है, मौसम काफ़ी हसीन हो रहा है. तो यार मैं आपको मेन रोड पे जाके मिलता हूँ, सही है, क्योंकि अभी इधर गलियाँ जो है ना वो बहुत ख़राब है हमारी, तो मेन रोड पे जाके मिलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहीं से. सो लिसन जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, आ चुके हैं इस वक्त मेन मतलब बाहर, ये गलियाँ बहुत बुरा हाल है, तो मैं उसमें अगर आपसे बात भी करूँगा तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरा हाल है गलियों का, बारिश की वजह से रोड टूट फूट के कारण गलियाँ स्ट्रीट्स वगैरह, ठीक है. तो इसलिए मैंने बोला मैन रोड पर आके आपसे बात करते हैं. अच्छा, ये जो रोड है ये 5 स्टार वाला रोड है पूरा, ये पीछे 5 स्टार चौरंगी है, और ये जा रहा है लंडी कोतल चौरंगी पे ये रोड. अच्छा, सीधा जाएंगे लंडी कोतल चौरंगी आ जाएगी बिल्कुल सामने, लड्डी कोतल चौरंगी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता इसका नाम लड्डी कोतल क्यों है, लेकिन इसमें अल्लाह के 99 नाम वाली एक बिल्डिंग बनी हुई बीच में, जिसमें अल्लाह ताला के 99 नाम लिख रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम हैवी बाइक जा रही है, साउंड सुन रहे होंगे आप, तो इसलिए अल्लाह ये 99 नाम वाली है लड्डी कोतल चौरंगी इसको कहा जाता है, वो मुझे नहीं पता क्यों कहा जाता है. हवा बहुत चल रही है, और इधर ये क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, ये हॉकी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, हॉकी स्टेडियम है. अब ये देखो ये क्या कर रहे हैं. अच्छा, अब ये सीधा हम जाएंगे, हम बिल्कुल सीधा जाएंगे, क्योंकि हम आयशा मंजिल से होते हुए दिखाएंगे, और आपको आयशा मंजिल भी दिखाएंगे, बड़ी फेमस जगह है कराची की आयशा मंजिल, मतलब जो लोग कराची में आते हैं ना उनको पता है आयशा मंजिल एक जगह है, ये लंडी कोतल चौरंगी का पूरा एरिया है. ये बिल्कुल सीधा जाएगा आयशा मंजिल की तरफ, और रोडों का थोड़ा सा हाल बुरा है, तो इसलिए क्योंकि अभी कराची में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो वो आपको पता है वो सिचुएशन है. अब पैसे भी फिर आते हैं, तो इस वजह से वो वाला हिसाब ही है. तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है आयशा मंजिल की तरफ, यहाँ पे एक सिर्फ एक सिग्नल आता है इस रोड पे बीच में. अब मैं आपको लियाकत अली खान चौक, बहुत पुराना चौक है, पहले सबसे पहले इसका नाम जैसा कि मैंने आपको बताया लियाकत अली खान चौक था, फिर बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका नाम चेंज कर दिया था, मुक्का चौक रख दिया था, वो मुक्का था, अब नहीं है मुक्का लगा हुआ इधर, तो मैं पहले ही बता दूं अब मुक्का नहीं है, क्योंकि मैं जाके आता रहा हूँ एक दो दफ़ा, तो मैंने देखा इधर से आना जाना हुआ है, तो अब मुक्का रिमूव कर दिया गया वहाँ से, तो अब इसका नाम वापस लियाकत अली खान चौक है. तो बड़ा फेमस प्लेस है, ये पड़ता है फेडरल भी एरिया और अजीज़ाबाद में, अजीज़ाबाद फूड स्ट्रीट है, एक दिन दिखाएंगे आपको अजीज़ाबाद फूड स्ट्रीट भी अपने ब्लॉग में, काफ़ी फेमस फूड स्ट्रीट है अजीज़ाबाद की.
तो ये सीधा बात है, एफबी एरिया के बीच में पड़ता है मलोह लियाकत अली खान चौक जो है ना। एफबी एरिया यानी फेडरल वी एरिया, अगर जो लोगों को नाम नहीं पता तो मैं थोड़ा पूरा जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसकी नॉलेज नहीं है वो फिर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और अभी ये पहला सिग्नल आया है, रेड लाइट है, तो यानी स्टे, रुकिए, सब्र करिए दोस्ती। अभी देखें गाड़ी वाला कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ लेते हैं, ये देखो क्या बंदा बोले, एक लाइन डिसिप्लिन नहीं है ना, मजाक के अलावा। बाहर मुल्क में जाके हम बड़े डिसिप्लिन से चलते हैं लेकिन अपने कंट्री में ही डिसिप्लिन खो जाते हैं। अभी भी रेड लाइट है, सिग्नल ख़राब है मेरे ख्याल से, यार सिग्नल ख़राब है, सिग्नल वर्क ही नहीं कर रहा, तो इसलिए रुकना नहीं है, वरना मैं रुकता हूँ हर सिग्नल पर। मैं कैमरा तो जब व्लॉग करता हूँ तभी लगा के जाता हूँ, वरना मैं व्लॉग कैमरा नहीं लगा के जाता, लेकिन मैं हर सिग्नल पर रुकता हूँ। और आप लोगों से भी कहूँगा कि बाइक गाड़ी जो भी चलाएँ रूल्स को फॉलो करके चलाएँ, सिग्नल्स पर रुकें, गाड़ी चला रहे सीट बेल्ट पहने, बाइक चला रहे हेलमेट पहने, लाजमी है सेफ्टी आप लोगों के लिए। रूल्स कानून जो बनाए जाते हैं ना वो हमारे आपकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम और आप सेफ रहें, इसलिए बनाए जाते हैं, ना कि कोई ऐसी एमरजेंसी थोड़ी ही बनाए। तो इसलिए मेरी बात है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी है, नहीं समझे तो आपकी मर्ज़ी, हर बंदे की सोच अलग है, हर बंदा अपने माइंड से सोचता है। मेरे माइंड में ही सोचिए कि भाई जो रूल्स और कानून है उनको फॉलो करना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। हम पहुँच चुके हैं आयशा मंजिल की तरफ, ये आयशा मंजिल आ चुकी है, और इधर हल्की हल्की मुझे बूंदाबांदी सी महसूस हो रही है, कैमरे में तो नहीं दिखेगी लेकिन हल्की सी शावरिंग मुझे महसूस हो रही है। मैं इधर एक वॉल है, बड़ी खूबसूरत वॉल मैंने देखी थी, अब पता नहीं वो है नहीं है, नहीं इधर थी यार पहले, अभी नहीं है। इधर इस जगह पे एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग हुई है, अपने ख्याल से रिमूव कर दिए इधर से, बहुत खूबसूरत थी, मैंने सोचा वो भी दिखाऊंगा। ये आयशा मंजिल है, ये ऊपर ब्रिज है आयशा मंजिल का, ये वाला ब्रिज आयशा मंजिल का है, ये पूरी आयशा मंजिल कहा जाता है इसको, ये ब्रिज के ये नीचे आयशा मंजिल वाली मार्केट है पूरी, शॉप्स वगैरह है। और ये रोड जा रहा है लियाकत अली खान चौक पे, और ये फेडरल भी एरिया पड़ रहा है, पीछे आयशा मंजिल था मैंने आपको दिखाया है, ये आयशा मंजिल वाला हॉस्पिटल है, आ खान हॉस्पिटल है आयशा मंजिल का, वुमेन हॉस्पिटल है आ खान का। और ये बिल्कुल सीधा जो जा रहा है लियाकत अली खान चौक पे जा रहा है। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा एक पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर था, जो जिसकी वजह से बुक्का चौक इसका नाम था, वो अभी मतलब बंद किया हुआ है रीजन से, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो लोगों को पता है कहाँ पर ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो आप समझ जाएंगे। तो उनका भी हेडक्वार्टर मैं आपको बाहर से अगर दिखा पाया तो इधर अगर अलाव हुआ उस गली में जाना वगैरह तो हम आपको दिखा देंगे, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। मतलब एक दौर में बड़ा कोई फेमस पॉलिटिकल हेडक्वार्टर होता था पॉलिटिक्स पार्टी का, देखो मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी को फॉलो नहीं करता, सही है, तो इसलिए बस मैं नॉन पॉलिटिक्स हूँ, तो इसलिए कभी भी ये नहीं समझना कि मैं पॉलिटिक्स की हिमायत में, मुझे कोई और भी अगर दिखा तो मैं ऐसा कोई दिखा दूंगा आपको। अभी थोड़ा सा दूर है लियाकत अली खान चौक, आपको मिलते हैं लियाकत अली खान चौक पे। जेंटलमैन आ चुका है लियाकत अली खान चौक, इस चौक का नाम लियाकत अली खान क्यों रखा गया, लियाकत अली खान के नाम से रखा गया, क्यों रखा गया, क्या मतलब। ये चौक के सामने अगर आप देख रहे हैं ब्रिज आपको दिख रहा है तो ये लियाकत अली खान चौक है, सही है, ये सामने जो है ना ये लियाकत अली खान चौक है, और इस साइड पे इस पार्टी का हेड ऑफिस है, मैं आपको पार्टी का दिखाता हूँ। वो 90 वाला एरिया कहलाया जाता था पहले, एम जो पॉलिटिकल पार्टी का जो था वो उसमें, और ये लियाकत अली खान चौक है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। ये पूरा लियाकत अली खान चौक है, बड़ा फेमस है कराची का ये चौक, और फेडरल भी ये अजीज़ाबाद की तरफ पड़ता है ये चौक, ये सामने अजीज़ाबाद वाला रास्ता है, ये अजीज़ाबाद की साइड इंटर होगा, ये अजीज़ाबाद कहलाता है। मतलब पहले जब वो पॉलिटिकल पार्टी थी तो तब इस जगह पर आना इतना पॉसिबल नहीं था किसी के लिए भी, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह उनकी होती थी तो इस तरह से नहीं आ सकते थे आप इस जगह पे, क्योंकि अलाउ नहीं था भाई सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। ओए अगर हमें इस गली से जाना है तो भी तो बड़ा कोई वो था, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड ऑफिस, तो इसलिए मैं आपको इस गली से लेके जा रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, सही है, अगर दिखा जगह हो कोई दिखा सका तो हम आपको दिखा देंगे। अलाउ नहीं है उधर जाना पॉलिटिकल पार्टी वाले हेडक्वार्टर पे, तो इस वजह से नहीं जा सकते आप उधर। सो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर के पास जाना अलाउ नहीं है, रेंजर्स खड़ी है सिक्योरिटीज, तो
तौर पे सिक्योरिटी दारे वाले खड़े तो अलाउ नहीं कर रहे उस जगह पे जाना, क्योंकि सिर्फ वहाँ के आवाज़ मेरी आ रही नहीं होगी, वहाँ पे वो सिर्फ वहाँ के लोगों को जाना ही अलाउ है, तो इस वजह से उधर जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं गया। मेरे को मुड़ा था गली में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अलाउ नहीं है सम रीजन से, भाई कोई सिक्योरिटी रीजन भी हो सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस जगह पे पहले आ नहीं सकते थे, अब बहुत ज़्यादा क्लियर है, अब आप आराम से आ सकते हैं। इलाका अली खान चौक है, हम वापस जा रहे हैं आयुष्मान मंदिर से अपने घर की तरफ, मोटर वॉक करते हुए शॉर्ट राइड है, उस तरह की शॉर्ट राइड। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सही है। तो इसलिए अब बड़ी फेमस पॉलिटिकल पार्टी थी कराची की, तो उनका ये हेड ऑफिस था इधर, जो कि अब बंद है फिलहाल, तो कुछ रीजंस के बाद बंद किया हुआ, आई डोंट नो क्या रीज़न है, को पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे, सही है। और ये के अब ये इस वक्त जो जा रहे हैं ये स्टाइल पर एफ बी एरिया, और ये है अजीज़ाबाद वाला रास्ता, बड़ी फेमस जगह है कराची की एफ बी एरिया, अजीज़ाबाद सीधा आयशा मंजिल है। आयशा मंजिल तो मैं वो फिर कह रहा हूँ वाटर पंप वाला हिसाब है आयशा मंजिल का, कि जो लोग कराची में आते हैं उनको भी पता होगा आयशा मंजिल एक जगह है, क्योंकि आयशा मंजिल भी एक स्टॉप है, यहाँ पे भी गाड़ियाँ रुकती हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह वैन वगैरह। तो इसलिए आयशा मंजिल बड़ा फेमस जगह है, सही है। और ये इधर थोड़ी सी फूड स्पीड वगैरह भी है इस जगह पे, थोड़ा बहुत मतलब खाने पीने का आपको मिल जाता है। पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अब हमें जाना है बिल्कुल सीधा, ये आयशा मंजिल है और ये इमाम बारगाह है, ये साइड पे बिल्कुल सामने आयशा मंजिल वाली इमाम बारगाह कहा जाता है इसको। तो वही रास्ता है, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं घर पे, हाँ जी। मैं आ चुका हूँ वापस घर पे, आपको मोटर ब्लॉक कराया लियाकत अली खान चौक तक का। अच्छा, लियाकत अली खान चौक का नाम क्यों लियाकत अली खान चौक रखा गया और कौन है लियाकत अली खान, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो लोग नहीं पता। जिनको लियाकत अली खान वो है जो कायद आजम पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के साथियों में से, जिनको पाकिस्तान आज़ादी के वक्त ये भी एक वाइफ थे जिन्होंने साथ दिया था कायद आजम का पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। तो ये बड़ी शख्सियत है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ये लियाकत अली खान, तो इस वजह से तो उनके नाम से ये चौक रखा गया है, उनको डेडिकेट किया गया है ये चौक, जिसका नाम लियाकत अली खान चौक। और बहुत पुराना चौक है, पहले इसका मुक्का चौक होता था, जैसे मैंने बताया था लियाकत अली खान चौक वापस रख दिया गया। और मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं था, सिक्योरिटी के कुछ अहलकार खड़े थे, उन्होंने मना कर दिया था सिक्योरिटी रीजंस के बारे में, उन्होंने बोला वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं है वहाँ पे बनाना, पर आप वैसे जाके देख सकते हो, कोई मसला नहीं है, खाली आप वैसे जाके देख सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के बाद वीडियोस वगैरह अलाउ होगी, तो ना फिर वैसे जाने का फायदा क्या, मैं तो आप लोगों को ही दिखाने जा रहा था। तो इसलिए बस आज की वीडियो को यही बैन करते हैं, अगर आपको वीडियो पढ़ना आए कहाँ जबान कहाँ जा रही है, जबान कहाँ जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको चैनल पसंद आता है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब का बटन नीचे लाल कलर का आपने उसे क्लिक करना है, और कुछ भी नहीं करना। मिलते हैं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठहरिए, बाय बाय, हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।